हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो मिड एंट्री है उसके बारे में, यानी कि जो ड्यू के फॉर्म है वो एक बार फिर से ओपन होता है तो यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर अभी तक आपने इनके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, आपके मार्क्स भी अच्छे थे और अगर आप लोग करना चाहते सो अभी आप लोग काउंसलिंग के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं जो मिड एंट्री का है। यहाँ पर मिड एंट्री जो विंडो है वो आपकी 11 जुलाई आज यहाँ पर 5 बजे से ओपन हो जाएगी और 13 जुलाई शाम को 5 बजे तक आपकी ओपन रहने वाली है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो मिड एंट्री के थ्रू अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। अब साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पे जो थर्ड कट ऑफ लिस्ट है उसके बारे में। अभी आपकी ऑलरेडी 2 कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है, आपको वेट है थर्ड कट ऑफ लिस्ट का, तो वो जो है आपकी यहाँ पर रिलीज़ की जाएगी शाम को 5 बजे 16 जुलाई को। जी हाँ, 16 जुलाई को आपका जो थर्ड लिस्ट है वो यहाँ पर जारी किया जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा। उसमें आपको जो सीट एक्सेप्ट करनी है वो 16 जुलाई शाम 5 बजे से लेके और 19 जुलाई शाम को 5 बजे तक आप लोग क्या कर सकते हो, उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके फिर डॉक्यूमेंट चेक होंगे डिपार्टमेंट या फिर कॉलेज के थ्रू, जो कि आपके 16 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे और 20 जुलाई तक आपके चलेंगे। फिर आपका लास्ट डेट रहेगा फ़ीस पे करने का थर्ड राउंड का, वो रहेगा 21 जुलाई। अब अगर स्पोर्ट राउंड आता है तो वो आपका 21 जुलाई के बाद में आएगा। फ़िलहाल आपका जो है थर्ड लिस्ट आएगा पहले, जो कि 16 जुलाई को यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा। मिड एंट्री का मैंने बता दिया, जो स्टूडेंट अप्लाई नहीं किए थे पहले काउंसलिंग के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन इसका फ़ीस हाई होता है, 1000 रुपये इसका फ़ीस रखा जाता है, जो कि अगर आप पे कर सकते हैं तो फिर आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं गाइस। ओके, सो ये था आपका थर्ड कट ऑफ लिस्ट कब आएगा एंड जो फॉर्म एक बार रीओपन होते हैं वो किन के लिए होते हैं वो भी मैंने आपको इस वीडियो में शॉर्ट में बता दिया गाइस। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। बाकी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।